दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय कॉइनस्विच कुबेर। डाउनलोड द ऐप नाउ। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में, 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिकर। वह लड़ाई ईश्वर के खिलाफ लड़ाई है जिसमें भाई भाई को मारता है, जो धर्म के नाम पर दुश्मनी पालता है वह भगवान को अर्घ से वंचित करता है। जिस अंधेरे में भाई भाई को नहीं देख सकता, उस अंधेरे का अंधा तो स्वयं अपने आप को नहीं देखता। मूल कविता बांग्ला में उपजी थी, महान साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर की कलम से। इसका हिंदी अनुवाद किया था महात्मा गांधी ने। युद्ध की क्या परिभाषाएं हो सकती हैं? इंसान को इंसान से बेपनाह नफरत सिखाने की पाठशाला, मानवता को दुत्कारने का खुला निरंकुश मंच, या एक जादुई मशीन जिसमें एक तरफ से मनुष्य डालो तो दूसरी तरफ से कसाई निकलता है। अगर इन परिभाषाओं को एक खांचे में सेट किया जाए तो इतिहास का पहिया हमें 3 दशक पीछे ले जाता है। 1990 के दशक का बोस्निया वॉर, जब धर्म की अफीम का नशा ओढ़े लोगों ने हजारों बेगुनाहों का खून बहाया, लाखों से उनकी पहचान छीन ली, उन्हें कभी न भूलने वाला दर्द दिया। आज उन पुराने जख्मों की चर्चा क्यों? इसकी वजह है एक खबर। क्या है खबर? उस अनचाहे चैप्टर के कर्ता धर्ता की अंतिम अपील खारिज कर दी गई। राटको म्लादिच बोस्निया वॉर के दौरान सर्ब सेना का मुखिया था। उसके इशारे पर राजधानी सरायेवो को 4 साल तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान हजारों लोगों की हत्या हुई। इसके अलावा सेब्रेनिका में 8,000 मुस्लिमों के नरसंहार के पीछे भी म्लादिच का ही हाथ था। इन अपराधों के चलते उसे एक उपाधि मिली, द बुचर ऑफ बोस्निया, यानी बोस्निया का कसाई। बोस्निया वॉर खत्म होने के 22 बरस बाद उसके अपराधों पर फैसला आया है। साल 2017 में UN वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल राटको म्लादिच को उम्र कैद की सजा सुना चुका था। म्लादिच ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी और 8 जून को उसकी अपील रद्द कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि अगर म्लादिच नहीं होता तो वैसी नृशंस घटनाएं रुक सकती थी। इस आदेश को अब किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब ये कि राटको म्लादिच की जिंदगी के आखिरी साल सलाखों के भीतर कटेंगे। उसके अपराधों के लिए वैसे तो कोई भी सजा मुकम्मल नहीं हो सकती, फिर भी ये पीड़ितों के दुखों के ताप को थोड़ा तो कम करेगा ही। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, बोस्निया वॉर क्या था? इसमें राटको म्लादिच की भूमिका क्या थी? कुछ किस्सों के जरिए जानेंगे बोस्निया वॉर शुरू क्यों हुआ, कितना भयावह था और इसका भूत आज तक लोगों के जहन से क्यों नहीं उतरा। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं दुनियादारी। सबसे पहले जानते हैं बैकग्राउंड, ताकि पूरी बात ढंग से समझ में आए और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकें आप मास्टर होते तो बढ़िया होते। हालांकि ये सारा श्रेय दुनियादारी के लेखक सोनू को जाता है, मैं तो बाँचता हूँ। दक्षिणी पूर्वी यूरोप में एक देश हुआ करता था युगोस्लाविया। 1918 के साल में इसकी स्थापना हुई थी। कई अलग अलग धार्मिक मान्यताओं वाली जमीनों को मिलाकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद युगोस्लाविया सोशलिस्ट स्टेट बन गया। इसमें 6 इलाकों को शामिल किया गया था। कौन से थे ये 6 इलाके? बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मकदूनिया, मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया और स्लोवेनिया। युगोस्लाविया में कम्युनिस्ट शासन चल रहा था। इसके बावजूद कोल्ड वॉर के दौरान ये देश न्यूट्रल रहा और इसकी बड़ी वजह थे जोसेफ ब्रज टीटो। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। टीटो का शासन 1944 से शुरू होकर 1980 तक चला। इस साल टीटो की मौत हो गई 1980 में। युगोस्लाविया में उनके कद का और कोई नेता नहीं था जो उनकी विरासत को संभाल सके। इसके अलावा देश में महंगाई और बेरोजगारी की समस्या ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया था। युगोस्लाविया के अलग अलग इलाकों में अपने अपने राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी टीटो की मौत के बाद। फिर 10 बरस बाद 1990 में बोस्निया हर्जेगोविना में चुनाव होते हैं। 3 पार्टियां साथ मिलकर सरकार बनाती हैं। ये पार्टियां सर्ब, क्रोएट्स और मुस्लिम आबादी का अलग अलग प्रतिनिधित्व करती थी। क्रोएट्स और मुस्लिम चाहते थे कि युगोस्लाविया से अलग हो जाया जाए, सर्ब इसके खिलाफ थे। इस मनमुटाव के चलते तीनों के बीच नाराजगी बढ़ने लगी।
दशकों से साथ रहते लोग एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगे। फिर आई तारीख 29 फरवरी 1992 की। इस दिन बोस्निया हर्जेगोविना की आजादी का जनमत संग्रह कराया गया। मुस्लिमों और क्रोएट्स ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन सर्ब आबादी ने इसका पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। जनमत संग्रह का नतीजा आजादी के पक्ष में था, लेकिन सर्ब आबादी ने इसे मानने से साफ मना कर दिया। यानी अब देश में अलग अलग कम्युनिटीज के बीच टकराव टालना असंभव हो चुका था। वैसे यहाँ पर आपको एक फुटनोट बता दें, हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में इस लड़ाई, ये जो 1992 के बाद वाली है, और राटको म्लादिच, इनके बारे में विस्तार से बताया था। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। लेकिन आज के एपिसोड में हम आपको क्या बताएंगे, युद्ध के दौरान की कुछ अहम घटनाएं चैप्टर वाइज। हमारी कोशिश होगी कि इसके जरिए आप बोस्निया वॉर या किसी भी युद्ध की विभीषिका को बेहतर ढंग से समझ सकें। और पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, चैप्टर जिसका शीर्षक है शादी में गोली चली और राजधानी पर ताला लग गया। साल 1992 मार्च महीने की पहली तारीख, बोस्निया में जनमत संग्रह का अंतिम दिन। उस दिन राजधानी सरायेवो में एक सर्ब परिवार में शादी भी हो रही थी। इस समारोह में सर्बिया का झंडा फहरा रहा था। सर्ब लोग ग्रेटर सर्बिया का हिस्सा बनना चाहते थे, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। उनके इस सपने में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं थी। सर्ब को यूगोस्लाविया से आजाद होने में भी दिलचस्पी नहीं थी। सर्ब डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि SDS ने जनमत संग्रह का नतीजा मानने से पहले ही इनकार भी कर दिया था। दूसरी तरफ मुस्लिमों की पार्टी थी जिसका नाम था पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक एक्शन यानी कि SDA। ये पार्टी किसी भी हाल में आजादी हासिल करना चाहती थी। और मैं आपको बता रहा था शादी की कहानी, आपने दोनों पार्टियां जान ली। सरायेवो के एक चर्च में चल रही शादी के दौरान एक अनहोनी हुई। रमीज डेलालिच नाम का एक अपराधी अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा, धमकी दी कि सर्बिया का झंडा उतारो। बात बहसा बहसी से शुरू हुई, फिर रमीज ने गुस्से में पिस्तौल निकाली और गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में दूल्हे के पिता की मौत हो गई और पादरी गंभीर रूप से घायल। रमीज मुसलमान था, वो ग्रीन बैरेट्स नाम के एक आपराधिक संगठन का हिस्सा था और इसे मुस्लिमों की पार्टी SDA का समर्थन था। सर्ब पार्टी SDS के लिए अब SDA और मुसलमानों से बदले की जमीन इस गोलीकांड के बाद तैयार हो चुकी थी। मुस्लिमों के सफाई का प्लान लंबे समय से बन रहा था। शादी में चल रही गोली ने इस प्लान में जैसे चाबी भर दी हो। रातों रात सरायेवो की घेराबंदी शुरू हो गई। मास्क पहने हथियारबंद सर्ब मिलिशिया ने कई इलाकों में बैरिकेडिंग कर दी। SDS की मांग थी कि सर्ब आबादी वाले इलाकों की सुरक्षा सर्ब पुलिस वाले करें। साथ ही उन्होंने पूरे देश में UN पीसकीपर्स की तैनाती की भी मांग रखी। दो दिनों की इस रस्साकशी के बाद समझौता होता है और SDS अपनी घेराबंदी फौरी तौर पर हटा लेता है। हालांकि हलचल की आशंका को सन्नाटे के बादल ने अपने घेरे में ले लिया था और ये एक बड़े तूफान की आहट थी। और इस आहट की पहली पदचाप कहां सुनाई दी, एक होटल में जिसका सिलसिला ओलंपिक से शुरू होता है लेकिन जो आतंकवाद का टकराव का एपिसेंटर बन जाता है। विंटर ओलंपिक गेम्स 1984 में हुए। इन खेलों की तब मेजबानी मिली थी इसी शहर को जिसका जिक्र हुआ, सरायेवो को। इतने बड़े स्तर के आयोजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जरूरी था और उसमें सबसे बड़ी पहली जरूरत थी एक उम्दा किस्म के होटल की जो इस आयोजन का मुख्यालय बन सके। इस होटल का डिजाइन तैयार करने के लिए मशहूर आर्किटेक्ट युआन स्ट्रॉस को चुना गया। उन्होंने एक अनोखा प्लान बनाया। उनका आइडिया था कि पूरे शहर की झलक इस होटल में मिले। बकौल स्ट्रॉस, अ सिटी इनसाइड अ होटल। जब उनका विचार धरातल पर उतरा तो उसे हॉलीडे इन के नाम से जाना गया। अक्टूबर 1983 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुखिया युआन एंटोनियो समारांच ने इसका उद्घाटन किया। सरायेवो में विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन सफल रहा और इस सफलता की डोर हॉलीडे इन से बंधी थी। इसी जगह पर आयोजन कमेटी के सारे बड़े फैसले लिए जाते थे और ये होटल विशिष्ट अतिथियों की रिहाइश थी। ओलंपिक खत्म होने के बाद होटल की लोकप्रियता और बढ़ गई। कालांतर में ये सर्व पार्टी SDS का अस्थायी मुख्यालय बना। पार्टी की सभी बड़ी बैठकें इसी जगह पर होती। SDS के मुखिया राधावान काराजिच का परिवार भी इसी होटल में रहता था। बोस्निया हर्जेगोविना में जनमत संग्रह के बाद 1992 के दौर में जब हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी तो रोकने के लिए 6 अप्रैल 1992 को एक यूनिटी मार्च निकाला गया। इसमें अधिकतर संख्या मुसलमानों की थी। मार्च काफी हद तक शांतिपूर्ण था। इरादा था कि सर्व लोगों को साथ लिया जाए। हजारों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी पहले संसद की तरफ गए और फिर गए इस होटल की तरफ जिसका नाम था हॉलीडे इन।
होटल की तरफ क्यों गए? क्योंकि ये प्रदर्शनकारी अपनी आवाज सर्ब लोगों की पार्टी एसडीएस तक भी पहुंचाना चाहते थे, या कहें कि एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। लेकिन होटल में कुछ और खिचड़ी पक रही थी। जैसे ही प्रदर्शनकारी होटल के पास पहुंचे, उनके ऊपर गोलीबारी होने लगी। जो एसडीएस के मुखिया हैं कारा जिच, उनके वफादार स्नाइपर्स ने होटल की खिड़कियों से मोर्चा संभाल रखा था। इस हमले में 6 निहत्ते प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, और जब तक पुलिस होटल के अंदर दाखिल होती, कारा जिच फरार हो चुका था। उस दिन के बाद से सर्ब सेना भी बागी हो गई। उसने सरायेवो की नाकाबंदी शुरू कर दी। इस बार ये जमावड़ा अगले 4 बरस के लिए चला। इस दौरान भोजन, पानी और बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बंद, और लोगों का जीवन ब्लैक मार्केट पर निर्भर। नाकेबंदी के शुरुआती समय में हॉलीडे इन महीनों तक बंद रहा। जब बोस्निया का वॉर तेज हुआ, तब बड़ी संख्या में विदेशी पत्रकार इसे कवर करने पहुंचे। ये होटल उन पत्रकारों का भी हेडक्वार्टर बन गया। हालांकि लड़ाई के दौरान कई दफा होटल पर हमला भी हुआ। लोग कहते थे कि हॉलीडे इन के आसपास से गुजरना मतलब मौत से आंख मिलाना है, क्योंकि सर्ब स्नाइपर्स की गोलियां कभी भी चल सकती थी। होटल हॉलीडे इन बोस्निया वॉर का चश्मदीद गवाह था। इसने युद्ध के संदेशवाहकों को अपने कूचे में शरण दी, उन्हें बचाए भी रखा। ये होटल आज भी बरकरार है, हालांकि अब इसका नाम बदल गया है। अब बात करेंगे एक तस्वीर की, जो बोस्निया की लड़ाई का प्रतीक बन गई। बोस्निया का वॉर ऐसी हजारों तस्वीरें दे चुका है, जिन्हें देखना किसी बुरे सपने से होकर गुजरने जैसा है। पर दिल पर पत्थर रखकर ही सही, आपको इन्हें जरूर देखना चाहिए। इन तस्वीरों को याद रखना इसलिए जरूरी है ताकि इन्हें दोहराए जाने से रोका जा सके। जैसे वियतनाम युद्ध के दौरान खींची गई नापाम गर्ल की तस्वीर ने तहलका मचाया। बोस्निया वॉर की आइकॉनिक तस्वीर औपचारिक तौर पर लड़ाई छिड़ने से 5 दिन पहले खींची गई थी। सरायेवो की नाकेबंदी भले ही अप्रैल 1992 में शुरू हुई, लेकिन सर्ब सेनाओं ने बहुत पहले से ही नरसंहार शुरू कर दिया था, और उन्हें यूगोस्लाविया की आर्मी का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा था। ऐसे में अमरीकी फोटोग्राफर रॉन हबीब बोस्निया में चल रहे संघर्ष को फिल्माने के लिए पहुंचते हैं। हबीब ने सबसे पहले सर्ब वॉलंटियर गार्ड के कमांडर अरकान से दोस्ती गांठी, उसे अपने शीशे में उतारा। अरकान ने हबीब को अपने साथ चलने की इजाजत दे दी। शर्त ये रखी गई कि अखबार में वही फोटो छपनी चाहिए जिसकी हरी झंडी अरकान ने दी हो। बात मान ली गई। मार्च 1992 में अरकान का गुट बिजल जीना शहर पहुंचा। 31 मार्च को हबीब ने एक दिल दहलाने वाली घटना देखी। सर्ब सैनिक एक घर से पति पत्नी को बाहर खींचकर लाए, सरेराह उन्हें गोली मारी, और इसके बाद महिला की बहन को भी वहीं पर जान से मार दिया गया। रॉन हबीब इस पूरे दृश्य को एक ट्रक के पीछे छिपकर क्लिक कर रहे थे, लेकिन उन्हें मनचाहा फ्रेम नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर हत्यारे सैनिक लाशों के साथ आ जाएं, तो इसे उनके खिलाफ सबूत बनाकर अदालत में भी पेश किया जा सकेगा। ऐसे में वो हताशा में कैमरा बंद करने की सोच ही रहे थे कि इतिहास बन गया। एक सर्ब सैनिक महिला की लाश पर लात मारने लगा। हबीब ने उस दृश्य को कैप्चर कर लिया, लेकिन कैमरे के फ्लैश से सैनिक चौंक गया। खबर अरकान तक पहुंची। उसने हबीब से कैमरा चेक करने के लिए मांगा, लेकिन तब तक हबीब उस तस्वीर वाली रील को कहीं और छिपा चुके थे। कुछ दिनों के बाद हबीब वापस लौटे, और फिर वो तस्वीर छपी, और पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। इस हंगामे के बावजूद बोस्निया वॉर को रोका नहीं जा सका। इतना जरूर हुआ कि अरकान ने रॉन हबीब को डेथ लिस्ट में शामिल कर लिया। अरकान ने यहां तक धमकी दी कि वो हबीब का खून पी जाएगा। अगले 8 बरस फोटोग्राफर रॉन हबीब ने अरकान से बचते हुए गुजारे, लेकिन साल 2000 में जब अरकान की हत्या हो गई, तब हबीब ने चैन की सांस ली। हबीब की ये तस्वीर खास कैसे बनी? जब बोस्निया वॉर का मुकदमा शुरू हुआ, तो वकील कोर्ट में जातीय नरसंहार की परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहे थे। रॉन हबीब की खींची तस्वीर ने उनका काम आसान किया। वो एक तस्वीर सर्ब सेना के मकसद का परिचायक थी। सर्ब बोस्निया से मुस्लिमों को पूरी तरह मिटा देने पर आमादा थे। अदालत ने मामला समझ लिया, और इस तरह कार्यवाही रफ्तार से आगे बढ़ गई। कितना भयावह था बोस्निया वॉर, इस बात को समझने के लिए एक नरसंहार का पन्ना पलटना होगा। बोस्निया की पूर्वी सीमा पर बसा एक गांव है स्रेब्रेनिका। यहां 11 जुलाई 1995 की सुबह भूपू पर एक ऐलान सुनाई पड़ा। छोटे, बड़े, बच्चे, बूढ़े, जो कोई भी इस जगह से निकलना चाहते हैं, उनका स्वागत है। डरने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये ऐलान करने वाला कोई और नहीं बल्कि सर्ब सेना का कमांडर राटको म्लादिश था। लोगों ने उसके ऊपर भरोसा कर लिया। वो सर्ब सेना की लाई हुई बसों में बैठ गए। उन्हें अच्छे दिनों की उम्मीद थी, लेकिन म्लादिश का प्लान कुछ और था। गांव से निकलने के बाद उस प्लान पर अमल किया गया।
इस गांव में मुस्लिमों की बहुतायत थी। सर्ब सेना ने 1992 में इस पर कब्जा भी किया, लेकिन बोस्निया की सेना ने जल्द इसे वापस पा लिया। अगले साल यूएन ने इसे सुरक्षित इलाका घोषित किया। डच सैनिकों को पीस कीपर्स के तौर पर तैनात किया। हाथ से निकलने के बाद सर्ब सेना गांव के बाहर डेरा डालकर बैठी थी। इसके चलते जरूरी सामान की आपूर्ति बंद हो गई थी और लोग भूख से मरने लगे थे। फिर 6 जुलाई 1995 को सर्ब सेना ने गांव पर हमला बोला। 5 दिनों के भीतर यूएन पीस कीपर्स ने सरेंडर कर दिया और श्रेब्रेनिका को राटको म्लादिज के हवाले कर दिया। और इसके बाद म्लादिज का वो ऐलान आता है कि जो निकलना चाहता है शांति से निकल जाए। लेकिन असल में क्या हुआ, म्लादिज के आदेश पर सर्ब सैनिकों ने बच्चों और पुरुषों को छांटकर बाहर निकाला, फिर गोलियों से भून दिया, फिर उन्हें सामूहिक कब्रों में दफन कर दिया गया और कई दफा तो जिंदा लोगों को दफन किया गया। कुछ घटनाएं ऐसी भी थीं जिसमें पिता को अपने बच्चे की हत्या देखने के लिए मजबूर किया गया। श्रेब्रेनिका में अगले 11 दिनों में 8,000 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। बाद में वॉर ट्राइब्यूनल ने माना कि जो कुछ श्रेब्रेनिका में हुआ वो नरसंहार की श्रेणी में आता है। अब आखिरी में सवाल आता है कि इस लड़ाई पर रोक कैसे लगी। अगस्त 1995 में अमरीका के नेतृत्व में नाटो सेनाओं ने सर्ब सेना पर सीधा हमला शुरू किया। पहली बार सर्ब को पीछे हटना पड़ा। नाटो के एयर स्ट्राइक और ग्राउंड पर बोस्नियन सेना ने मिलकर सर्ब को पस्त करना शुरू कर दिया और इसके बाद बोस्निया का युद्ध खात्मे की तरफ बढ़ा। 21 नवंबर 1995 को अमेरिका के डेटन में शांति समझौता हुआ। डेटन में हुए इस समझौते में क्या ब्यौरे थे, इसके तहत बोस्निया हर्जेगोविना में संघवाद की व्यवस्था लागू हुई। मुस्लिमों और क्रोएट्स को 51% जमीन जबकि सर्ब्स को 49% जमीन का अधिकार मिला। दोनों प्रांतों को स्वायत्तता भी मिली, हालांकि दोनों की साझा राजधानी सरायेवो बनी रही। सरायेवो की नाकेबंदी और श्रेब्रेनिका के मास्टरमाइंड राटको म्लादिज की सजा अब फुल एंड फाइनल हुई है। उसके अलावा सर्ब डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया रवादान काराजिच को भी उम्र कैद की सजा मिली। सर्बिया के राष्ट्रपति रहे स्लोदेन मिलोशेविक ने बोस्निया युद्ध के दौरान सर्ब सेना को हथियार और पैसे दिए थे, उन्हें भी वॉर क्राइम का दोषी पाया गया और 2006 में जेल में ही उनकी मौत हो गई। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बोस्निया युद्ध के दौरान 1,00,000 से ज्यादा लोग मरे, ज्यादातर बेगुनाह नागरिक, 20,00,000 से ज्यादा विस्थापित हुए, इनमें से अधिकतर कभी घर नहीं लौट पाए, 50,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हुई। युद्ध के भयावह आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो एक पंक्ति याद आती है, युद्ध आंकड़ों में बदल जाता है प्रेम कहानियों में। बोस्निया वॉर की चर्चा एक खूबसूरत प्रेम कहानी के बिना इसलिए अधूरी रह जाएगी। अदमीरा स्मिच और बाशको बरकिच बचपन से एक दूसरे को चाहते थे। अदमीरा मुस्लिम थी और बाशको ईसाई सर्ब था। बोस्निया वॉर की दो धाराएं थी ये, हालांकि उन्होंने कभी इस धार्मिक बंदिश की परवाह नहीं की। सरायेवो की नाकेबंदी के दौरान उनकी आजादी छिन गई थी। उन दोनों को अपने भविष्य की चिंता सता रही थी। एक दिन उन्होंने सुना कि अगर सरायेवो को पार कर सर्बिया चले जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। उन्हें यह भी कहा गया कि लड़ाई धीमी पड़ गई है इसलिए तुम आसानी से निकल सकते हो। अदमीरा और बाशको सरायेवो छोड़ने के लिए तैयार हो गए। 19 मई 1993 को दोनों घर से साथ में निकले। कुछ मिनट तक कोई रुकावट नहीं दिखी। सरायेवो की सड़कों से गुजरते हुए उन्हें बचपन के दिन याद आने लगे। सब कुछ सपनीला सा था, लेकिन जैसे ही वो वेलानिया पुल पर पहुंचे पहली गोली चली और दिया बुझ गया। ये गोली सीधे बाशको के सीने में लगी। वो निर्जीव होकर जमीन पर गिर गया। अदमीरा रोते हुए बाशको के शरीर से लिपट गई ताकि उसे और गोलियां न लगें, और तभी दूसरी गोली ने अदमीरा की भी जान ले ली। उन दोनों की लाश 8 दिनों तक पुल पर पड़ी रही। स्नाइपर्स के डर से पुल पर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उनके घर वालों को इस घटना की जानकारी रेडियो से मिली। जब अदमीरा और बाशको की कहानी दुनिया को पता चली तब उन्हें सरायेवो का रोमियो जूलियट कहा गया। प्राण खींच लेने के बाद भी उन्हें कुछ दे दिया जाए उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। युद्ध के पास छीनने की अथाह चीजें होती हैं, देने के लिए कुछ भी नहीं। ये था आज का दुनियादारी बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी साउथ अफ्रीका से है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने हेल्थ मिनिस्टर ज्वेली मखीजी को छुट्टी पर भेज दिया। उनकी जगह पर टूरिज्म मिनिस्टर को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। फेरबदल की वजह, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2019 में डिजिटल वाइब्स नाम की कम्युनिकेशन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। काम क्या था, दक्षिण अफ्रीका की नेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रचार प्रसार करना। कोरोना महामारी के दौरान सरकार को लोगों तक सीधी जानकारी पहुंचानी थी, इसलिए डिजिटल वाइब्स के कॉन्ट्रैक्ट का दायरा बढ़ा दिया गया।
मई 2021 में जांच हुई तो पता चला कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देने में भारी अनियमितता बरती गई थी। इसके अलावा कंपनी की मालकिन मखीजी की पर्सनल असिस्टेंट रह चुकी थी। मंत्री जी गोलगपाड़ा कर रहे थे। अब तक कंपनी को 80 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। अब मंत्री जी को जो पूर्व हो गए अभी छुट्टी पर भेज दिए गए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सवालों का सामना करना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई तय करेंगे। दूसरी सुर्खी फ्रांस से है। दक्षिणी फ्रांस में टूर के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स ने हमलावर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल मैक्रों फ्रांस की यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान वो कोरोना महामारी के बाद के हालात की पड़ताल कर रहे हैं। घटना के बाद मैक्रों बोले कि मैं अपना अभियान जारी रखूंगा। विपक्षी नेताओं ने भी घटना की निंदा की। फ्रांस में सिक्योरिटी ग्रुप फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ फ्रांस या GSPR राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ये यूनिट 1983 में बनी थी और ये चूक मानी जा रही है सुरक्षा में। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी नाइजीरिया से है। नाइजीरिया में 176 लोगों ने एक राइट्स ग्रुप के साथ मिलकर सरकार पर मुकदमा दायर किया। ये लोग ट्विटर पर लगाए गए बैन को हटाने की मांग कर रहे हैं। कहना है कि सरकार सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर आलोचनाओं को दबाने की साजिश कर रही है। और इन सब की पृष्ठभूमि क्या है? 2 जून को ट्विटर ने राष्ट्रपति मोहम्मद बुखारी का एक ट्वीट अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। इसके 2 दिन बाद नाइजीरिया की सरकार ने ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद कई लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN के सहारे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग ट्विटर को फिर से बहाल करने की मुहिम चला रहे हैं। सरकार कह रही है कार्रवाई करेंगे। आज का दुनियादारी यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है कि कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।